वेलकम टू ए बी सी कैंपस आर सब्जेक्ट बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर फोर्टीन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रॉफिट्स टेंथ वीडियो ऑन द टॉपिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम माई कैप स्टडी टेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ फतेह सो डिविडेंड के लिए ये शर्त है कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स में से पे होगा और जो फर्दर पॉइंट है कि डिविडेंड किस तरीके से पे होना है तो फॉर्म ऑफ पेमेंट पर बात अगर करें तो डिविडेंड में बी पेड बाई अ कंपनी इधर इन कैश और इन काइंड ओनली आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं हैं तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी अब इन कैश तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश लेकिन इन काइंड पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है सो so, अगर एक कंपनी पेमेंट इन काइंड करती है तो पेमेंट ऑफ काइंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शेल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी तो फर्ज करें कि ए लिमिटेड एक कंपनी है उसके पास शेयर्स हैं बी लिमिटेड के जो कि एक लिस्टेड कंपनी है तो ए लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स में ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कैश के बजाय डिविडेंड नॉट बी पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर तो डिविडेंड सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे होना चाहिए इसमें पीरियड एंड मैनर एनी डिविडेंड बाय अ कंपनी मस्ट बी पेड टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू देयर ऑर्डर विद इन सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एस एस सी पी तो एस एस सी पी ने इस पर रेगुलेशन बनाए हुए जिसमें टाइम पीरियड फिफ्टीन डेज का है लेकिन ये डेज़ का टाइम पीरियड आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड मोड ऑफ पेमेंट एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट वारंट जो होता है डिविडेंड वारंट ये भी एक टाइप ऑफ क्रॉस चेक होती है तो अगर डिविडेंड वारंट आप देखें तो कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होता है आ, जो कि प्री प्रिंटेड सा होता है जिस तरह चेक के ऊपर तो साइन हुए में होते हैं एक ऑथोराइज सिग्नेटरी के तो वारंट के ऊपर जो साइन है वो नहीं होते आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में ये वारंट प्रिंट हो रहे होते हैं तो ये प्री प्रिंटेड होते हैं टोटली और इस फॉर्म में बनाए जाते हैं और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड आजकल जो सिस्टम टेक्नोलॉजी से चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो जाती हैं आप थ्रू बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकते हैं

तो जो वारंट है डिविडेंड वारंट दैट इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ क्रॉस चेक। डायरेक्टर्स नॉट टू विदहोल्ड डिक्लेयर डिविडेंड। वेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू विदहोल्ड और डेफर इट्स पेमेंट एंड द चीफ एग्जैक्टिव ऑफ द कंपनी शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड फ्राम द डेट ऑफ डिकलेशन तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ एग्जैक्टिव पर आएगी और डायरेक्टर्स के लिए ये लॉफुल नहीं है कि वो डिविडेंड की पेमेंट को विदहल्ड या डेफर करें फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का एक कॉन्सेप्ट आता है तो फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका होता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसकी बेस पर डायरेक्टर्स एक डिविडेंड प्रपोज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फाइनल डिविडेंड और जब ड्यूरिंग द ईयर किसी टाइम पर एक कंपनी कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं तो फाइनल डिविडेंड इज़ प्रोपोज बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय मेबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंट शैल बी डीम टू हैव बिन डिक्लेयर ऑन द डट ऑफ जनरल मीटिंग तो डिक्लेरेशन डेट समझी जाएगी डेट ऑफ जनरल मीटिंग अब अगर डे आप कहते हैं कि जी स्पेसीफाइड पीरियड जो है वो कब से काउंट होगा अगर स्पेसिफाइड पीरियड पंद्रह दिन का है तो पंद्रह दिन कब से काउंट होंगे वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से काउंट होंगे अगर स्पेसिफाइड पीरियड थर्टी डेज का है तो वो कब से काउंट होगा वो डेट ऑफ डिकलेरेशन से काउंट होगा डेट ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ डिविडेंट डयड और अप्रूवड इन द जनरल मीटिंग उसके बाद अगर हम फाइनल uh, डिविडेंट के लिए तो डेट ऑफ जनरल मीटिंग हो गई हमारे पास अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ईयर एंड के बाद के बजाय ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पर एक कंपनी समझती है कि उनके पास प्रॉफिट जो है इतना हो गया होगा एंटिसपेशन में और उस बेसिस पर वो एक डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं तो डायरेक्टर्स मे प्रपोज एंड पे इंटरम डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ ईयर इन टम डिविडेंट शेल बी डीम टू हैव बिन डिक्लेयर्ड ऑन अब इसमें दो सिचुएशन है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर और अगर कोई बुक क्लोजर नहीं होता डेट ऑन विच डिविडेंड इज़ अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब यहाँ पर बुक क्लोजर की टर्म भी यूज़ हुई और उसके अलावा क्लोजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफ़र की टर्म भी यूज़ हुई तो इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए हमें अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाना पड़ेगा और दोबारा हम इस पॉइंट पर आते हैं फिर तो इसको सिंपली अगर आप प्रॉपरली रीड कर लेंगे तो अच्छी एक्जाम्पल है यहाँ से हमें क्लियर uh, हो जाएगा लिस्टेड कंपनीज यूजुअली कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स शेयर्स तो कई लिस्टेड कंपनीज में तो दस हजार बीस हजार शेयर होल्डर्स भी होते हैं दीज शेयर्स आर रेडिली सेलेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द कंपनी कैन नॉट बी श्योर ऑफ हु आर इट्स मेंबर एट एनी गिवन डेट अनलेस ट्रांसफर ऑफ शेयर आर सस्पेंडेड फॉर सम डेज बाई गिविंग अ प्रायर नोटिस टू द मैंबर तो स्टॉक एक्सचेंज पर जब शेयर्स लिस्टेड होते हैं तो मुसलसल शेयर सेल परचेज़ हो रहे होते हैं शेयर्स के ऑनर्स बदल रहे होते हैं मेम्बर्स बदल रहे होते हैं तो कंपनी के लिए तो ये बड़ी एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि एक स्पेसिफ़िक डे पर कौन मेंबर है और कौन मेंबर नहीं है क्योंकि कि किसी ने शेयर सेल कर दिए किसी ने खरीद लिए तो अब उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ दिनों के लिए एक पहले से बता के कि जी एक कंपनी अनाउंस करती है कि आज से सात दिन बाद दस दिन बाद जो है शेयर ट्रांसफ़र क्लोज कर दिया जाएगा सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर वन वीक और टू वीक या फाइव डेज और सेवन डेज ताकि एक मरतबा शेयर ट्रांसफर रुक जाए तो कंपनी एक लिस्ट बना सके कौन कौन मेम्बर जो हैं वो फाइनल हैं सो ये प्रोसीजर जो है इसे बुक क्लोजर कहा जाता है तो ऑल ऑफ पर्सन हु शेयर ऑफ द कंपनी एज एट ऑफ बुक क्लोजर जब बुक क्लोजर शुरू होता है तो तब तक जितनी ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाती हैं उनको प्रोसेस कर लिया जाता है और फिर एक लिस्ट बना दी जाती है फिर उसके हिसाब से डिविडेंड पे कर दिया जाता है फिर बुक सस्पेंशन का पीरियड खत्म होता है तो दोबारा से ट्रांसफर शुरू हो जाते हैं आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड सर्व नोटिस ऑफ मीटिंग एंड पेड डिविडेंड एट्रा तो नोटिस भेजने के लिए भी बुक क्लोजर किया जाता है डिविडेंड पे करने के लिए भी बुक क्लोजर किया जाता है तो जिस दिन बुक क्लोजर किया जाएगा उस दिन को डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझा जाएगा और अगर बुक क्लोजर नहीं किया जाता तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होगा उसको डेट ऑफ डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाएगा तो याद रखें जो टाइम पीरियड है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से कैलकुलेट होना है कंसिक्वेंसिस ऑफ डिले इन पेमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं है जिसपे वेर अ डिविडेंड हैज बिन डिक्लेयर कंपनी बट इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड द चीफ एग्जैक्टिव ऑफ द कंपनी शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट

इम्प्रिजनमेंट है टू ईयर टू पेनल्टी है डिसक्वालिफिकेशन है, है कि वो फिर सिर्फ उस कंपनी का नहीं किसी भी कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं बन सकता फॉर नेक्स्ट फाइव ईयरस तो ये तीन कंसिक्वेंस uh, है डिले इन पेमेंट का इन शॉर्ट ऑब्वियसली लॉ ये नहीं चाहता कि चीफ एग्जेक्टिव को जो है थ्रेट किया जाए बल्कि लॉ ये चाहता है कि इस तरह से एक कंपनी के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं दे शुड मेक श्योर कि टाइमली पेमेंट हो डिविडेंड की और उसमें किसी किस्म की कोई जो है नेग्लिजेंस ना हो हाँ कुछ सिचुएशन में नो फाइन शल बी डीम टू बी कमिटेड यानी अगर ये ये सिचुएशन होती हैं तो फिर चीफ एग्जेक्टिव के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी No offence shall be deemed to have been committed in the following cases if the commission has, on application by company within 45 days from the date of declaration of dividend and after providing an opportunity to the shareholder or other person, permitted the company to withhold or defer payment. to तो SSCP अगर allow कर दे तो इन पांच सिचुएशंस में एक कंपनी पेमेंट withhold कर सकती है और फिर चीफ एक्जेक्टिव को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। Number one डिडेंड कु ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ अब अगर दो शेयर होल्डर्स का मेम्बर्स का आपस में एक डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में और कोर्ट ने कह दिया कि जी इनमें से किसी को भी आपने डिविडेंड पे नहीं करना जब तक के केस का फैसला नहीं हो जाता तो आपने पेमेंट जो है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ की बेस पर आपने विद कर लिया या किसी शख्स की डेथ हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनमें डिस्प्यूट है कि किसको डिविडेंड मिलेगा तो कोर्ट में मामला चल रहा है और आप कहते हैं कि जी जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं कर देती तब तक हमें पता नहीं है कि हमें किसे डिविडेंड पे करना है तो कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं वेर अर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दो डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद फॉर एक्जाम्पल एक शेयर होल्डर ने एक अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया कि जी इसमें आप ट्रांसफर कर दें लेकिन जब आप उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो बैंक ने इन्फॉर्म किया कि जो अकाउंट नंबर है वो कंप्लीट नहीं है या अकाउंट नंबर जो है वो गलत है टाइटल के साथ मैच नहीं कर रहा इसलिए पेमेंट नहीं हो सकती तो शेयर होल्डर की तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो कंप्लाई नहीं हो सक रहे नंबर थ्री वी आर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड तो एक मेंबरशिप के ऊपर डिस्प्यूट राइज हो जाता है या एक शख्स की डेथ के बाद जो है दो लोग सामने आ जाते हैं इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिस्प्यूट है कि जी किस को मिलेगा तो आ, कंपनी फिर कहती है कि जी पहले आप कोर्ट के थ्रू फाइनलाइज करवाएं कि किसका राइट right है इनहेरिटेंस का और उसके बाद ही हम डिविडेंड पे करेंगे नंबर फोर वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर जो था उस वो कंपनी का डेटर भी था और अंडर द लॉ कंपनी लॉफुली जो है वो उससे जो पैसे लेने थे उसके अगेंस्ट उस डिविडेंड को एडजस्ट कर लेती है तो तब भी ये किया जा सकता है नंबर फाइव वे फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिडेंट और टू पोस्ट द वारंट विद इन द पीरियड फोर्सेड वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफ़ॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी तो एक कंपनी ने डिविडेंट वारंट जो है वो तो बना भी लिए थे टाइमली पोस्ट भी करना चाहते थे लेकिन लेट्स ए की कोरियर कंपनीस की स्ट्राइक हो जाती है थ्रू आउट द कंट्री तो वो पोस्ट नहीं किए जा सकते टाइम पर पेमेंट नहीं हो पाती तो ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं था कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं था एक ऐसे अनफोसिन सर्कमस्टांसिस आ गया कि जिसकी वजह से कंपनी पे नहीं कर सकी तो ये याद रखना है कि इन सारी सिचुएशन में जस्ट सिचुएशन का एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है बल्कि कमीशन का जो है अप्रूवल लेना भी जरूरी है इसके अलावा अ कंपनी मे विद होल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ अ मेंबर वेयर द मेंबर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एड स्पेसिफाइड बाय कमीशन तो लिस्टेड कंपनीज में तो शर्त है कि जी एक मेंबर ने अपनी पूरी डिटेल्स एन आई सी नंबर ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी ना हो और अपना बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड करनी है और इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट होनी है तो इस केस में अगर एक मेंबर ने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो कंपनी जो है पेमेंट होल्ड कर सकती है और इसमें अप्रूवल ऑफ़ एस भी रिक्वायर्ड नहीं होगा प्रीवियस ये जो देखे थे इनमें अप्रूवल ऑफ एस रिक्वायर्ड था लेकिन यहाँ पर अप्रूवल ऑफ एस रिक्वायर्ड नहीं होगा एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स है जी पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है सेवन मार्क्स के लिए ऑन एट सेप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन द डायरेक्टर ऑफ अशांति लिमिटेड अलिस्टेड कंपनी डिक्लेयर एंड इंटरम डिविडेंड ऑफ रुपीज फाइव पर शेयर एंड अनाउंस बुक क्लोजर फ्रॉम ट्वेंटी एट सेप्टेंबर टू थर्ड अक्टूबर बोथ डेज इनक्लोजेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी दट ब्रीफली डिस्क्राइब वैन ए एल शुड पे द डिविडेंड तो जो भी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड पे होगा और वो स्पेसिफाइड पीरियड जो है वो स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर से कैलकुलेट होगा यानी ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर आल्सो स्टेट एनी फोर सर्कमस्टांसिस इन विच ए एल मे नॉट बी कंसिडर टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंट तो हमने तो पाँच जमा एक छः पॉइंट्स पढ़े थे तो अगर इसको आप देखेंगे तो फाइव पॉइंट्स ये हैं वन पॉइंट ये है, तो टोटल सिक्स पॉइंट्स पढ़े थे तो इन सिक्स पॉइंट को में से कोई से भी चार आपने बताने होंगे तो सिंपली यही आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं तो देखें डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है वो बुक क्लोजर पे समझा जाएगा और इसके विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कंपनी को पेमेंट करनी होगी यहाँ पे ऑल सिक्स आंसर के अंदर मेंशन हुए हैं में। लेकिन आप कोई से फोर भी मेंशन कर दे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते फिर जी एक क्वेश्चन है ये एट मार्क्स के लिए टोटल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था Uh, the board of director of giant industries limited, a listed company in their meeting held on 25 feb, had approved 30% interim cash dividend for the shareholders. while approving the dividend payment, the board had authorized to adjust dividend payable to one of the shareholder kamran ahmad against the amount due from him under the provision of companies act like 2017, state when an interim dividend is deemed to have been declared. so book closure has a book closure. now who तो फिर जिस दिन डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होता है आइडेंटिफाई द सर्कम्स्टांसिज अंडर विद द डायरेक्टर्स मे विद होल्ड और एडजस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो वो फाइव प्लस वन सिक्स सिचुएशन जो हैं वो सर्कमस्टांसिज हैं जिसमें विद होल्ड हो सकता है तो उनको डिस्कस करेंगे जहाँ तक पार्ट सी की बात है तो इस पर आई कैब की जो स्टडी मटीरियल गाइडेंस हमारे पास एक आई एस स्प्रिंग दिसंबर थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी में फॉर स्प्रिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अटैम्प इसमें जो पार्ट सी है उसको इग्नोर करने का कहा गया है तो इसलिए हम पार्ट सी को यहाँ पर इग्नोर करेंगे और सिर्फ ए और बी पार्ट के आंसर पे फोकस करेंगे सो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड के अंदर वही कॉन्सेप्ट है कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर और जहां क्लोज ना हो तो अप्रूव बाय बोर्ड होगा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जी आई जो पेमेंट है तो उसमें पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा चीफ एग्जेक्टिव इज लाइबल तो पेबल इन कैश है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे होगा क्योंकि कंपनी जो है वो लिस्टेड है फिर जो है इसमें वो सरकमस्टांसिस जिसमें हम विधहोल्ड कर सकते हैं वो सिंपली आपने स्टेट कर देने और पार्ट सी हमने फिर वंस अगेन यहां पर इग्नोर कर दिया है एग्जाम्पल ट्वेंटी एट एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन एस स्पेसिफाइड अंडर दैट डिड इज डेयर बाई कपनी बट इज नॉट पेड विद पीरियड स्पेसिफाइड इन दपनी दट चीफ एक्जेक्ट ऑफ कपी शैल भी पनिशेबल विद इम प्रमेंट फॉर अटम विच में एक्सटेंड टू टूर एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू फाइ मिलियन रूपीज तो इसकी एप्पन् जो है वो फाइव प्लस वन सिक्स है मैं बने डिटेल्स तो ये आप सिंपली मैंशन कर देंगे एग्जाम्पल ट्वेंटी नाइन है Interim dividend or consequences of non-payment pay on 31st July 2015, the directors of Clove Engineering Limited, a listed company, declared an interim dividend of rupees five per share. However, before making payment of the dividend, the company suffered huge losses due to a massive fire in the factory. The CFO has informed the board of director about CEL's inability to pay dividend time because fire there to losses Losses there cash flow problems आ जाते हैं अक्सर तो उसकी वजह से उनके पास अब शायद इतना कैश ना हो कि वो टाइम पर डिविडेंड पे कर सकें तो लॉ में हमने बताना है कि वेन एन टैरिम डिविडेंड इज़ डीम्ड टू हैव बिन डिक्लेर्यड बाय सी ई एल तो इसमें यह है कि बुक क्लोजर का कमेंसमेंट को देखा जाएगा और अगर बुक क्लोजर नहीं हुआ तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होगा उसी दिन को डिक्लेरेशन समझ लिया जाएगा कंसिक्वेंसिस जो हैं वो अगर टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो चीफ एग्जैक्टिव को कन्सिक्वेंसिस फेस करने पड़ेंगे ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसमें इम्प्रजनमेंट भी है उसके अंदर फाइन भी है डिसक्वालिफिकेशन फॉर फाइव ईयर्स भी है तो आंसर पे अगर हम जाते हैं तो कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफ़र और जहाँ पर ऐसा ना हो तो अप्रूव बाय डायरेक्टर कन्सिक्वेंसिस के अंदर जो है वो इम्प्रजनमेंट अप टू टू ईयर्स फाइन अप टू फाइव मिलियन रुपीज़ और फाइव ईयर्स के लिए डिसक्वालिफ़िकेशन जो है इसको आप डिस्कस करेंगे फिर ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमें कॉन्सेप्ट uh, देता है डिफरेंट ऑप्शंस का द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिनार लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैड रेकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड एट हंड्रेड परसेंट यानी जितने शेयर कैपिटल की वैल्यू उतना ही डिविडेंड फॉर द एयर एंडेड जून थर्टी टू जीरो एक्स थ्री जस्ट अ वीक आफ्टर द नोटिस फॉर ए जी एम हैड बिन डिस्पैच द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेज ड्यू टू सर्टन अनएंटिसिपेटेड इवेंट एंड इनकर्ड हैवी लाइबिलिटीज कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन पहला ऑप्शन तो ये है कि रिड्यूस द डिविडेंड टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि जो डायरेक्ट फाइनल डिविडेंड है तो फाइनल डिविडेंड में अप्रूवल अल्टीमेटली जनरल मीटिंग ने देना है और वो एक्सीड नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस तो कर सकते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल है वंस द डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट मे बी रिड्यूस्ड बाई अप्रूवल ऑफ तो ये अलाउड हो गया दूसरा है डेफरिंग द पेमेंट ऑफ सेवेंटी फाइव ऑफ द डिविडेंट फॉर सिक्स मंथ तो डेफरिंग जो है वो अलाउड नहीं है इट इज़ बल्कि लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट वुड बी अनलॉफुल फॉर द डायरेक्टर्स टू विधहोल्ड और डेफर द पेमेंट तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो अलाउड नहीं होगा मैन डिविडेंड हैिक्लेयर इट शेड नॉट बी लॉफुलर इट्स पेमेंट बियॉन्ड स्पेसीफाइड पीरियड तो सिक्स मंथ का टाइम नहीं है जो स्पेसिफाइड पीरियड लॉ में दिया हुआ है डिविडेंड की पेमेंट का उसके अंदर ही पे करना पड़ेगा Hence, the company cannot defer it for six months. So that's all for today. Have a good day.